ग्लोबल अम्बेडकराइट एक फेसबुक पे पेज है जो यूके से लंदन से चलता है, उस पे इंटरव्यूज वगैरह वो लोग लेते हैं, बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने एक घंटे का मेरा एक कार्यक्रम वहाँ लगाया। क्योंकि मुझे आदत है बार बार भगवान बुद्ध कहने की, और भगवान बुद्ध के बारे में दो भगवान शब्द के बारे में दो वीडियो मैं पहले निकाल भी चुका हूँ। दरअसल जब तक मुझे भगवान शब्द का पता नहीं था कि ये शब्द क्या है क्या नहीं है, मैं बड़ा चिढ़ता था। और मैं जब भी कोई भगवान बोलता था तो मैं कहता था, अरे ये तो भगवान बोल रहा है बुद्ध को, तो ये क्या जानता है बुद्ध के बारे में, कुछ नहीं जानता, इसे कुछ नहीं पता। मैं ऐसा खूब बोला करता था, और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा भी कि आप भगवान क्यों बोलते हो, क्योंकि हमारे दिमागों में ये बात डाली गई है कि भगवान का मतलब है चमत्कारी शक्ति का मालिक, चमत्कारी शक्ति का स्वामी, कोई अदृश्य ऐसा करेक्टर जो चमत्कार से भरा हुआ है और जो हमारे दुखों को दो मिनट में छू कर देगा, हमें अरबपति करोड़पति बड़ा अफसर खेत खलियान का मालिक या इंडस्ट्री का मालिक बना देगा, हमें देश विदेश घुमाएगा, यानी कि जो एक साधारण आदमी की जितनी इच्छाएं पूरी होती हैं उनको पूरी कर देगा। अब चूंकि बाबा साहब ने तो साफ कहा है कि मैं किसी देवी देवता को और भगवान को नहीं मानता, तो वो बात भी चारों तरफ एक दिमाग में रहती है कि भाई ये भगवान बुद्ध को भगवान क्यों बोले। बाबा साहब ने तो कहा था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो इसको भगवान बुद्ध और उनका धम्म क्यों कर दिया और कैसे कर दिया। कई लोगों को मैंने देखा है कि उस किताब में से भगवान शब्द ही गायब कर दिया, उड़ा दिया। मगर जब मैंने धम्म में बारीकी से देखा और धम्म को बारीकी से जाना और मैंने देखा और भी चीजों का अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि जो भगवान शब्द है वो सिर्फ बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल होता है और किसी के लिए हो ही नहीं सकता। भगवान का दो वीडियो मैंने पूरा बनाया है, आप वीडियो उसमें मैं अटैच कर रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। और यूके में देखने वाले दर्शकों की ऐसी शिकायत आई थी कि ये जो व्यक्ति हैं सुधीर दास सिंह, ये बार बार भगवान भगवान बोल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई है। तो उनसे मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि भगवान शब्द को एक बार अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि भगवान, भाग्यवान, भंगवान, भगवा और भागवान, ये सारे शब्द लगभग सिमिलर हैं और एक ही हैं, और इसका मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, आप देख लीजिए। धन्यवाद। एक ऐतराज आया है, एक पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और बड़े अच्छे समाजसेवी हैं, बड़े जानकार हैं, उन्होंने रिटर्न में उनका स्टेटमेंट आया हुआ है एक वीडियो के ऊपर कि ये जो आप बार बार भगवान भगवान बोलते हैं, कृपया करके बुद्ध को बार बार भगवान ना बोलें, ये भगवान नहीं है। ऐसा ऐतराज और भी लोगों का हो सकता है, और कुछ समय पहले तक मेरा भी ऐसा ऐतराज था, मैं भी कहता था कि आप बुद्ध को भगवान ना बोलें, बुद्ध कोई भगवान नहीं है। क्योंकि उस समय तक मैं ये मानता था कि भगवान शब्द का जो मतलब है वो कोई ऐसी चीज है, ऐसी धारणा है जो बड़ी चमत्कारी है और एकदम चमत्कार से भरी हुई है, जबकि बुद्ध की फिलॉसफी में तो कहीं चमत्कार का कोई एक शब्द भी या एक लफ्ज भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो चमत्कार करता हो, और खुद बुद्ध ने भी कभी कोई चमत्कार के बारे में कोई बात नहीं की। मगर फिर भी मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, और मैं कई बार भगवान इस्तेमाल नहीं करता, अधिकतर मैं भगनवान इस्तेमाल करता हूं, भगवान करता हूं, भगवान करता हूं, भगवा करता हूं, और भगवान भी कभी कभी बोल देता हूं। दरअसल एक मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उनमें अंतर देख लें, क्योंकि टीम 22 पे जितने भी प्रश्न आपके आते हैं देर सवेर हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। भगवान, भगवान, भागवान, भगवा, इसमें क्या अंतर है और क्यों ये बोले जाते हैं, उनका सभी शब्द सार के रूप में, शब्द के अर्थ के रूप में या शब्द के अर्थ के रूप में या जो वर्ड मीनिंग है उसके रूप में बताया गया है पाली के हिसाब से। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं, भगवान का मतलब है भग प्लस वान। वान जो बोलते हैं वो दो शब्दों में आता है, एक तो आपने देखा होगा पुराने समय में जो चारपाई बोली जाती थी, बुनी जाती थी, उनमें एक जो रस्सी होती थी उस पौधे का नाम वान है। एक झाड़ी है बहुत लंबी जिसको वान बोलते हैं, उस झाड़ी से, वान से जो छोटी छोटी रस्सियां बनाई जाती हैं उसको वान बोलते हैं। और आज भी गांव में वान की जो रस्सी है वो मिल जाती है, उसको जेवड़ी भी बोलते हैं और रस्सी भी बोलते हैं। तो वान कहते हैं कि 5 किलो वान ले आना या 5 किलो वान की रस्सी ले आना,
खाट आपने जो पुराने लोग हैं वो वान की रस्सी पे बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा। आज के लोग उसे जूट समझ सकते हैं, मगर जूट थोड़ा सा अलग होता है। तो जो वान होता है एक वहां आता है, दूसरे वान का मतलब है यहां क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है तड़हा, पाली के अंदर तड़हा, या अगर हम संस्कृत भाषा में कहें तो तृष्णा। तो तृष्णा या तड़हा या क्रेविंग या वान, ये चारों एक बात है। जो इसको भग्न कर देता है, खत्म कर देता है, वो व्यक्ति भग्नवान हो जाता है, उसको भग्नवान बोलते हैं। और भग में आधा गैर पूरा गैर दो करके भग, तो बोलने में ये भग की जगह भग आ जाता है, भगवान। अब भग का कोई शब्द संस्कृत भाषा में अलग हो वो अलग बात है, मगर यह भगवान या भगवान करके बोला जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध ने अपने जीते जी अपनी जो तृष्णा है, जिसके तीन हिस्से हैं, एक राग है, राग को खत्म किया, और जो द्वेष है, द्वेष को खत्म किया, और जो मोह मूर्ता है उसको भी खत्म किया। तो यानी कि जो इसके तीनों पार्ट हैं उनको खत्म किया, भग रासो रागो, भग दोसो और भग मोह मूर्ता। तो इसलिए इनको भग्नवान या भगवान या भंगी भी बोलते हैं, भगवा भी बोलते हैं, भागवा भी बोलते हैं, भग्नवान भी बोलते हैं, भववान भी बोलते हैं, बड़े सारे इनके नाम हैं। और जैसे जैसे नाम आते जाएंगे, आप देखिए शब्दसार में हजारों नाम हैं। अभी ईश्वर भी उन्हीं को बोलते हैं, और अब ईश्वर का तो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इसी वरंग यानी जो इसी हैं, वर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो इसियों में श्रेष्ठ हैं। इसियों का मतलब है जो साधना करते हैं, विपसना करते हैं, जो भिक्खु हैं, जो उनमें श्रेष्ठ हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो इसी वरंग हो गया, इसी वरो हो गया, ईश्वर हो गया, ईश्वरीय, ईश्वरीय, ईश्वरीय का मतलब है जो उससे संबंधित है। तो ये नाम चलते रहेंगे। आप नाम से अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो टीम 22 की वीडियोस को देखते रहिए, उनमें सब में इनके अर्थ बताए गए हैं। आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में दे दीजिए, या व्हाट्सएप कर दीजिए, या मेल कर दीजिए, हम उसका जवाब देर सवेर आपको जरूर देंगे। धन्यवाद। एक प्रश्न आया है, बहुत अच्छा है। कहते हैं कुछ लोग भगवान बुद्ध बोलते हैं और कुछ लोग भगवान बुद्ध बोलने से चिढ़ जाते हैं, वो खाली बुद्ध बोलते हैं, ऐसा क्यों है? ये बात सही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, जो दुनिया के लिए एक बहुत नायाब गिफ्ट है, क्योंकि अगर आप पूरा त्रिपिटक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बुद्धा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है, बहुत मेहनत करने के बाद लिखी है, क्योंकि उस समय पाली पढ़ाने वाला कोई था नहीं। उन्होंने पाली पढ़ी, संस्कृत पढ़ी और उसको सीखा और वो किताब लिखी, और तब लिखी जब उनकी सेहत बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी, यानी कि वो उनकी लास्ट किताब थी। उधर उन्होंने साइन किया किताब में और उधर उनके प्राण निकल गए। शायद वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए वो किताब रुकावट थी और उनके मन में कहीं अटकी हुई थी, तो वो शांति से अपनी किताब पूरी करके इस दुनिया से गए। उसमें उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा है, द भगवान बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं लिखा है, मगर जिन लोगों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया उसमें द बुद्धा एंड हिज धम्मा के साथ साथ उन्होंने लिखा है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। खाली उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नहीं लिखा, हिंदी में भगवान जोड़ा गया है। तो कुछ लोग भगवान से ऐतराज करते हैं, उनका ऐतराज करना बहुत ठीक है। ठीक इसलिए है कि आप किस किस को समझाओगे जाके कि भगवान का जो मतलब है यहाँ पे कुछ और है, और भगवान का मतलब आज की डेट में लोगों, जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ और है। बेसिकली भगवान जो बोला जाता है आज की डेट में, जो संदर्भ है, उसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो चमत्कारी है, जो बिना मेहनत के दे देगी आपको, मनोकामना पूर्ण करती है, अदृश्य है, शक्तिशाली है और सब काम कर सकती है। यानी वो अगर पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए तो वो वहाँ जाके बॉर्डर को ठीक कर सकती है, चीन अगर मिसाइल छोड़ दे तो चीन की मिसाइल को वो तोड़ मोड़ सकती है, हमारे जितने भी भारत में लोग गरीब हैं उनको वो अमीर बना सकती है, जितने लोग मरीज हैं, मर रहे हैं, उनको वो स्वस्थ कर सकती है, किसी के अगर बच्चे नहीं हो सकते हैं तो बच्चे उसके पैदा हो सकते हैं, कोई अगर बिना पढ़े ये चाहे कि वो पास हो जाए तो वो बिना पढ़े भी पास हो सकता है, कोई अगर ये चाहे कि बिना पढ़े वो डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाए, तो भगवान की अनुकंपा से वो भी हो सकता है, कोई चाहे कि बिना कमाए के मुझे बहुत सारी दौलत मिल जाए तो वो भी हो सकता है, कोई चाहे कि मुझे बैठे बिठाए कुछ ना करना पड़े और मुझे खाना मिल जाए बहुत अच्छा, तो वो भी हो सकता है। ऐसे करके भगवान का रूपांतरण किया गया और ये सारी चीज़ें, जबकि आज तक ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं दी जो मैंने अभी अभी आपको बोली। तो इस संदर्भ में क्योंकि लोग गुमराह हो जाते हैं, तो एक शब्द चलता है भाग्य और भगवान। अब
अब पहले भाग्य समझे तो आपको भगवान समझ में आ जाएगा। पाली भाषा के अंदर, पाली साहित्य में, बुद्ध की पूरी फिलॉसफी में कहीं भाग्य शब्द नहीं है, कहीं नहीं है भाग्य। अंग्रेजी में इसको लक बोल सकते हैं, हिंदी में इसको भाग्य बोल सकते हैं। बेसिकली भाग्य और लक का मतलब क्या है? भाग्य, लक या खुश नसीब, यानी नसीब जो उर्दू बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि नसीब खुश भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जो लक है वो बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। भाग्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ ये दिया जाता है कि आपका बिना मेहनत करे आपको कुछ फल प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं, उसको भाग्य बोलते हैं, अच्छा भाग्य या गुड लक और या खुश नसीब। और अगर बिना कुछ करे आपका कुछ चला जाए, नुकसान हो जाए, तो उसको बोलते हैं बद नसीब, बैड लक या खराब भाग्य, दुर्भाग्य। मगर पाली साहित्य में भाग्य ही शब्द नहीं है, यानी इसका मतलब पुराने जो लोग थे उनका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर भाग्य से कुछ लेना देना होता तो भाग्य शब्द पाली के अंदर जरूर होता और बुद्ध की वाणी में, वचन में जरूर आता। जब इतने शब्द आए हैं बुद्ध की वाणी में, दुनिया भर के शब्द उन्होंने बता दिए, कुछ नई बना दिए, तो भाग्य शब्द भी आना चाहिए था। तो इसका मतलब बुद्ध जानते थे कि भाग्य जैसी चीज कोई है नहीं। मगर भाग है, बेसिकली भाग का भाग्य बना है। भाग क्या है? भाग है पीस या टुकड़ा या खंड। यानी कि अगर कोई केक हम घर में लेके आए और हमने केक के 100 टुकड़े किए, तो 100 टुकड़े अगर मैं आपको दे देता हूं 100 के 100, तो आपको हमने 100 भाग दे दिए, यानी 100 भाग किए और 100 के 100 भाग दे दिए, या 10 भाग दिए तो आपको हमने 10 के 10 भाग दे दिए, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण भाग या 100 भाग। 100 भाग का ही सौभाग्य बना, भाग का भाग्य बन गया। क्योंकि आप देखिए कि भाग जब शब्द बोलते हैं तो गे पे हम रुकते हैं जोर से, भाग, और अगर हम भाग्य बोलते हैं तो भाग्य में गे बहुत छोटा हो जाता है और ये भी छोटा हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन में भाग का भाग्य हो गया और सौभाग्य का, यानी 100 भाग का सौभाग्य हो गया। फिर सौभाग्यवती, यानी जिसको कंप्लीट मिल जाए, संपूर्ण मिल जाए, उसको हमने कह दिया सौभाग्यवती। मगर पाली के अंदर भागवंतु शब्द है, भाग्यवंतु नहीं है, भागवंतु है, भागमंतु है, भाग्यवंतु नहीं है। यानी भागमंतु जिसको भाग मिलते हैं, या भाग्य बोलते हैं, भाग ये जिसको भाग मिलते हैं, भाग ये। तो ऐसे करके जो भाग शब्द है, भाग शब्द हिस्से को बोलते हैं। अब आपने अपना जो हिस्सा लेना है वो कैसे लेना है? अब आप ये देखिए कि आपको अपना भाग चाहिए, वो भाग आपका पूरी दुनिया में निश्चित है। अगर आप किसी देश में पैदा होते हैं तो देश की संपदा पे, देश के सारे पानी पर, देश की सारी प्रॉपर्टी पर, देश के सारे सरकार पर, देश की सारी संपदा पर, पढ़ाई पर, लिखाई पे आपका बराबर का राइट है। यानी भाग का मतलब हो गया राइट, हिस्सा। वो राइट और हिस्सा और भाग आपका पूरा है। कोई अगर आपको ये कहता है कि भाग यहाँ से, तेरा इसमें भाग नहीं है, तो यहाँ भाग बोलते, भाग का मतलब है उसने आपका भाग नहीं दिया, भगा दिया, तो भाग नहीं दिया। कोई ये नहीं कहता कि आपका यहाँ भाग्य नहीं है, यानी कि आप अपने देश में जितनी चाहें उतना, जो भी लोग जो चीज़ सुविधा ले रहे हैं देश से, उसमें आपका बराबर का हिस्सा है, क्योंकि आपकी नागरिकता बराबर की है। आप दुनिया में आए हैं तो दुनिया में जितना एक आदमी का हिस्सा है उतना आपका हिस्सा है, क्योंकि दुनिया में एक भाग आपका भी है। तो भाग का मतलब होता है हिस्सेदारी और हिस्सा होता है, और भाग्य का मतलब होता है कि आपकी बिना मेहनत करे आपका भाग ले लिया किसी ने, अगर तो वो उसका भाग्य है, आपका नहीं है। अगर किसी ने आपका ले लिया बिना मेहनत करे तो वो भाग्य कहलाता है। तो भाग का ही भाग्य बना दिया, जबकि भाग्य कोई शब्द नहीं है। इसलिए भगवान और भाग्य कोई शब्द नहीं है। हाँ, भग्नवान है। भग्नवान का मतलब होता है कि जिसने अपना दुख और अपना राग द्वेष सारे के सारे भग्न कर दिए, खत्म कर दिए, उसको भग्नवान बोलते हैं, उसको भग्नवंतु बोलते हैं, उसको भवंतु बोलते हैं, उसको भस्म भी बोलते हैं। धन्यवाद।